अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी गार्लिक पोटैटोज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी और क्विकली रेडी होने वाली है स्नैक्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले इसके लिए मैं पोटैटोज बॉयल कर लूँगी। उसके लिए मैंने 2 ग्लास वाटर ले लिया है। इसको हम एक पैन में ऐड कर देंगे। 2 ग्लास वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पोटैटोज को पहले से मैंने चॉप कर लिया था, पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया ताकि ये जल्दी बॉईल हो जाए। इसी में मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 15 मिनट्स के लिए इसे बॉईल करेंगे। अब ये बॉईल हो गए हैं, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखूँगी। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें हम अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून रेड पेपर और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और इसमें हम 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रहे हैं, कोरिएंडर भी ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके टफ बना लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसकी डफ बना ली है। अब हम इसकी अच्छे से स्टिक्स बना लेंगे छोटी छोटी। पहले मैं इसे हॉरिजॉन्टल कट करूँगी और फिर हम इसे वर्टिकल कट कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे मैं इसे हॉरिजॉन्टली कट कर रही हूँ। इसकी छोटी छोटी स्टिक्स बना लेंगे और फिर उसे फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमें किसी भी ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम इसे एग में डिप करेंगे। इसी तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब इस तरह मैं इसे वर्टिकल भी कट कर लूँगी। पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। अब 1 बाय 1 इसमें स्टिक्स ऐड कर देंगे और इसे जल्दी से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाएंगी। इस तरह 1 बाय 1 हम इसमें सारी ऐड कर देंगे। और इसकी साइड भी हम जल्दी चेंज कर देंगे ताकि ये जले नहीं। अभी ये कुक नहीं हुए कंप्लीट, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि ये बहुत क्रिस्पी रेडी होने वाले हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और ये बहुत ही क्विकली और इजी रेडी होने वाली रेसिपी है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैं इसे 1 बाय 1 निकाल लूँगी और ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी हुए हैं और बहुत ही क्विकली तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।